नमस्कार, मुलाकात पावर्ड बाय टॉकिंग इंडियन में आज हमारे मुख्य अतिथि हैं गुरप्रीत सिंह संधु सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर, जैसे आप जानते हैं, सर ने 18 साल की उम्र में भारतीय टीम डेब्यू किया था। आपने भारतीय टीम के स्क्वाड में थे आप सर, तो उस टाइम से लेके अभी तक जर्नी टू ईस्ट बंगाल टू स्टे बैक बहुत कुछ है। नाम कैसे बना सर इस दुनिया में? मेहनत है सर और मेरे ख्याल से बिलीफ और थोड़ा लक, यही सब चीज़ें चाहिए होती हैं। स्टार्ट आपने कैसे किया? स्टार्ट मैंने सर 8 साल की उम्र में, मेरी स्कूल है सेंट स्टीवंस जी, उनकी फुटबॉल एकेडमी है जी, तो उस टाइम उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था जी, और वहाँ से ही स्टार्ट हुई थी फुटबॉल। फुटबॉल को इंट्रोड्यूस हुआ था मैं वैसे पर्सनली पहले कभी फुटबॉल देखता भी नहीं था जी, ना जी। खेली थी ना सुना था, उस टाइम मैंने स्टार्ट की। तो इंडिया में है तो क्रिकेट से स्टार्ट होता है तो। हाँ सर, क्रिकेट से ही स्टार्ट हुआ था, मैंने क्रिकेट भी स्टार्ट की थी जी जी जी। तो क्रिकेट सर, गोलकीपर का पहले से था कि गोलकीपर ये चीज़? गोलकीपर शुरू से ही कोच ने ही पुश किया मेरे को। और फिर इंडिया में बोलते हैं कि हाइट ज़्यादा है तो बास्केटबॉल खेलो, तो ये वाला इफेक्ट पड़ा कभी? इतनी ज़्यादा हाइट भी नहीं थी कि बास्केटबॉल खेलें, 6 अभी है पर स्टिल गोलकीपर के लिए परफेक्ट हाइट है। दैट्स व्हाट। तो भैया एक क्वेश्चन जो सब यूथ को परेशान करता है कि सबके पापा एक जब स्मॉल जब एज ठीक ठाक है तब बोलते हैं फुटबॉल खेलो, बट एक जब टाइम आता है कि जब प्रोफेशनली जाना है या पढ़ाई के साइड या उस साइड, तो घर वाले रोकते हैं कि इंडिया में फुटबॉल खेलना, तो ये कैसे आपको कभी पापा ने रोका? नहीं, मेरे फादर ने तो कभी नहीं रोका मुझे, सपोर्ट ही किया हमेशा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो खुद प्रोफेशनल बनना चाहते थे पर उनको अपने पेरेंट्स से सपोर्ट इतनी नहीं मिली, क्योंकि उस ज़माने में ये था भी नौकरी मिल जाए, ये हो जाए वो, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरे फादर जो वो नहीं कर पाए थे वो देखना चाहते थे कि भी एटलीस्ट मेरा बेटा ट्राई करे। मतलब अगर पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस हो तो बच्चा कर सकता है, पर हाँ। जो बच्चा कुछ करना चाहता हो और पेरेंट्स रोकते हो तो ये चीज़ कैसे फिर? सर वो इंडिया में प्रॉब्लम है, बाहर प्रॉब्लम नहीं है। बाहर अगर कोई करना चाहता है लड़का या लड़की, वो कर ही लेगा, चाहे पेरेंट्स बोल रहे हो या ना बोल रहे हो। तो इंडिया का फुटबॉल ग्रो करना है तो ये चीज़ तो इंडिया में भी आनी पड़ेगी अगर हम चाह रहे हैं। वो तो सर मेंटालिटी अभी बनानी पड़ेगी, पेरेंट्स की भी मैं समझ सकता हूँ, वो अगले देखते हैं कि भाई हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो। बिल्कुल बिल्कुल, गेम में स्कोप नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, पर पैशन है तो फिर रोकनी गलत बात है। फिर भी एक अभी तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप सैफ कप जीते थे इस बार, अफगानिस्तान को हराया था आपने, तो सर एक बड़ा गूजबम्स आए थे उस टाइम में कि हमको बड़ा फील प्राउड हुआ कि यार हमारी इंडिया टीम फुटबॉल टीम भी कुछ कर सकती है, और जो अफगानिस्तान को हराया था तो मज़ा आया था, गूजबम्स आए थे। पर ये आपका क्या सिचुएशन क्या था उस टाइम, टीम में कैसा माहौल था जब फाइनल का माहौल था, तो फाइनल मैच का? फाइनल में बस फोकस्ड रहने का माहौल था कि भाई जो जॉब है हमारे, बिल्कुल वो जॉब कम्प्लीट करें, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, भी फाइनल है या फाइनल नहीं है, सिर्फ अपना जॉब करना है, जो टीम को हेल्प करनी है, बाकी जो होगा देखा जाएगा बस ये। सर तो जो सोशल मीडिया पे क्राउड है जो भी फुटबॉल देखता है तो बोलते हैं कि इंडियन फुटबॉल टीम की जो मेंटालिटी है बट मेड्यूकर है। सर बाहर बैठ के तो बहुत ईजी है कहना, बिल्कुल, ये बिल्कुल। है वो है ये है वो है, नहीं आप सुनते हो बोलते यार वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ 1.25 बिलियन, सो फिर भी हम एक अच्छी टीम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, जो ऐसे कमेंट सुनने को पड़ते हैं, तो आप हम मेहनत भी कर रहे हो आप लोग तो ऐसा सुनने को मिलता है, तो कैसे अफेक्ट करता है? सर अभी कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं बिल्कुल ठीक है, हम हमारा एफर्ट डालते हैं पिच पे जब भी जाते हैं, ऐसी बात तो है नहीं कि हम लोग अपना 100% नहीं देते, बिल्कुल ठीक है, हम लोग देते हैं अपना जितना भी हो सकता है, हम अपनी साइड से करते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है ठीक है सर। और बाकी रही पॉपुलेशन की बात या वो बात, वो ठीक है, उनकी सही बात है, हाँ। कि भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर हम लोग मतलब बेस्ट 11 प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो इसका मतलब हमने बहुत सारा काम करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने नेशनल टीम को ब्लेम करना है, इसका मतलब ये है कि हमने सिस्टम में कोई खोट है कि हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे लेवल के प्लेयर। भैया अभी इंडियन फुटबॉल का सिनेरियो कैसे देख रहे हो, आई लीग ISL आया तो अभी कैसे देख रहे हो कि आई लीग कैसे मतलब फुटबॉल कैसे ग्रो करेगा इंडिया का? सर मेरे ओपिनियन में हमारे पास अभी प्रॉपर लीग ही नहीं है कोई जी, जो नॉर्मल 8 या 9 मंथ्स के लिए चलती है ठीक है, आपके पास 16 टीमें हैं, 15 टीमें हैं या 14 टीमें हैं जी, आपके पास उतनी टीमें होनी चाहिए और वो पूरे जो सीज़न का कैलेंडर होता है उसमें मैचेस खेलें, जब तक यही नहीं है तो फुटबॉल कैसे आगे बढ़ेगी? जब प्लेयर्स के पास खेलने के लिए जगह ही नहीं है, क्लब नहीं है, क्लब बंद हो रहे हैं,
तो हाउ यू थिंक इंडियन फुटबॉल इज गोना प्रोग्रेस? तो ठीक है, वन मोर थिंग कि भैया आप फर्स्ट प्लेयर थे इंडियन जो यूरोपा लीग में खेले, यूएफए यूरोपा, सो भैया एक और बार कॉन्ग्रेचुलेशन। तो भैया कैसा एक प्राउड फीलिंग आई होगी डेफिनेटली कि फर्स्ट टाइम इज द फर्स्ट इंडियन टू प्ले इन यूरोपा लीग? जैसे प्राउड फीलिंग थी, मेरा एम था सीजन शुरू होने से पहले जी भी कुछ ना कुछ करके मैंने वो गेम ज़रूर खेलनी है, मेरा पर्सनल एम था कि यूरोपा लीग की गेम ज़रूर खेलनी है। तो बहुत खुशी हुई कि मेरा हार्डवर्क और जो मैंने काम किया पिच पे वो ज़ाया नहीं गया, कोच ने देखा, अपॉर्चुनिटी दी, पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे। आपकी उंगली फ्रैक्चर हो गई थी मैंने देखा था एक मैच, एक फर्स्ट लेग के बाद ना। हाँ, उसके बाद कैसे इम्प्रूव करके आप सेकंड लेग में कैसे, मतलब आप तो नहीं खेले थे लेकिन कैसे इम्प्रूव किया उसके बाद जो आप जैसे आपने? सर जब मैंने मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था उसके बाद मेरा ऑटोमेटिक एम एक और बन गया था भी जो नेशनल टीम का मैच आ रहा है पोर्टो रिको के साथ जी, जी। वो खेलना कैसे भी करके। अच्छा भैया अभी इंडियन टीम के करंट कैप्टन भी हैं क्योंकि भैया लास्ट मैच में कैप्टनसी की पोर्टो रिको के साथ। तो करंट वरंट का तो पता नहीं लेकिन नहीं भैया आपने इंडियन टीम को कैप्टन किया है अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि देश को आप लीड करो। सो भैया ऐसे ही आप बोल रहे हो कि हमारे पास लीग नहीं है एक, सो ग्रास रूट लेवल पर कैसे बच्चे आगे आएंगे जो टैलेंट, जो हमारा टैलेंट तो है आप भी मानते हो नॉर्थ ईस्ट से टैलेंट आता है, नॉर्थ ईस्ट पूरे इंडिया में टैलेंट, पूरे इंडिया से टैलेंट आता है जी। हमारे पास अभी जैसे कहते हैं भी स्काउटिंग सिस्टम है जी, बच्चों को स्काउट कर लेते हैं, स्काउटिंग करने के बाद क्या करना है वो तो पता नहीं है। ठीक है सर, जो हमारे पास कोचेस की कमी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है, वो जब तक पूरी नहीं होगी आप कितने बच्चे स्काउट कर लो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्काउटिंग करने के बाद जो प्रोसेस है वो है ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं हो रहा। ठीक है सर, ग्रास रूट लेवल का यही है। तो इसका मतलब कि AIFF के एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी दिक्कत है और उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। सर कई जैसे AIFF की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्राइवेट खुद स्काउटिंग कर रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को स्काउट कर रहे हैं पर उनको नर्चर कैसे करना है वो हमने सीखना है। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स तो बहुत होते हैं जो बाहर से खेलते हैं, एग्जांपल बहुत सारे हैं, माइकल चोपड़ा है। तो मैं सुन रहा था कि जो ऐसे इंडिया को सुन रहे हैं बच्चे बोल रहे थे कि जो इंडियन के प्लेयर्स जो बाहर खेलते हैं कि उनको कुछ ऐसी मतलब सुविधा मिले कि वो इंडिया में आके भी खेल सकता, आपको लगता है कि ऐसा कोई एफर्ट आएगा कोई, आपको लगता है ऐसे? सर क्रिकेट वालों के लिए आ गया पता नहीं लेकिन स्टिल भी आप जो इंडियन मतलब अगर हाँ। अगर हम यूज कर सकते हैं ये कार्ड तो क्यों नहीं, जरूर कर सकते हैं, बट वही है कि गवर्नमेंट आ जाती है और प्रोसीजर्स आ जाते हैं, जो लॉज हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, पर एज अ ऑप्शन ठीक है, पर वी शुडंट टेक इट एज अ एस्केप रूट, यू नो, इसका मतलब फिर हम लोग जो एक्चुअल काम है वो नहीं करेंगे, फिर तो हम कहेंगे भी हाँ बाहर से ही प्लेयर लेंगे हम। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी लेकिन आप मानते हो वहाँ के जो प्लेयर्स हैं जो अपने यहाँ के बाद वो थोड़ा सा इम्प्रूव तो जरूर सर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर ज़्यादा अच्छा तो होगी, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है वहाँ का, कॉन्ट्रीब्यूशन तो होगी ज़रूर, पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ बहुत होता है हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। गुरप्रीत भैया, अच्छा गुरप्रीत भैया इज द फर्स्ट मैन टू प्ले इन यूरोपियन टॉप डिवीजन ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, सो एक और अगेन, सो भैया कैसे इसको अभी आप कैसे देख रहे हो अभी जो आपका करंट, अभी यूर 24 ईयर्स मतलब बहुत टाइम है आपके पास, तो कैसे कैसे प्लान्स किए हुए भैया, कैसे कैसे सोच रहे हो अभी आगे जाने के लिए? अभी जैसे मेरे अनएक्सपेक्टेड था दिस ईयर कि मेरी इंजरी हो जाएगी इतनी सीरियस, मुझे ये तो था पर्सनली कि मैं मैचेस खेलूँगा जी, जो मेरे मैच टाइम था वो दिस ईयर इन क्लब लेवल लेस थे क्योंकि मेरी इंजरी हो गई थी, तो उस करके थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड था, वो थोड़ा सेटबैक था, पर फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि मेरे को और मैच टाइम मिले और मैं यूरोप में रहोगे? ऑफ कोर्स सर, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है यूरोप में खेलने के लिए बिल्कुल, तो आप यूरोप में प्रेफर करोगे कि कहीं और जाना प्रेफर करोगे? यूरोप, लेकिन मैंने सुना था कि आपको कोई ऑफर मिला था इंडियन लीग से, यू टर्न डाउन? सर ऐसे तो मेरे को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज थी वापस आने के लिए, पर मैं उधर अपनी फाइट करना चाहता हूँ, उधर मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ, अगर मैं आ जाता ना ही मेरे को अपॉर्चुनिटी फर्स्ट इंडियन जो यूरोपा लीग वाली मिलती, ना ही लीग मैच मिलता। ठीक है,
कौन खेलता फिर अगर मैं आ जाता इधर? होता है तो एक और भैया यूथ जो अपने इंडिया का फुटबॉल खेलता है वो बोलते हैं कि वी वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, वी वॉन्ट टू वर्क हार्ड, बट वी वॉन्ट टू प्ले इन यूरोप. तो आपके जैसे आप एक एग्जाम्पल सेट किया है कि इंडियन प्लेयर्स भी जाके यूरोप में खेल सकते हैं टॉप डिविजन्स में, तो कैसी चीज़ है कि क्या क्या चीज़ें बच्चों को करनी चाहिए कि वो चीज़ों को वहाँ तक क्वालिटी के लिए प्रिपेयर हो पाए वो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेलिटी चाहिए. बिल्कुल. अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो वो स्ट्रगल करने के लिए तो आपसे नहीं हो पाएगा. ठीक है, अकेले रहना मुश्किल है और वहाँ ट्रेनिंग करनी मुश्किल है और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जाना ही सबसे मुश्किल है. सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप मेरी अभी तक करियर में था इंडिया से निकल के बाहर जाना. ठीक है, ठीक है, ये सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप था. वो स्टेप डिफ़िकल्ट नहीं थे. अच्छा. तो जो यहाँ के यंग लड़के हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जो एडवाइस करते हैं उनका उनके अंदर कोई बेस्ट इंटरेस्ट है नहीं, उनको अपना पर्सनल बेनिफिट देखना है उनके बच्चों के थ्रू. तो जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत ही केयरफुली मतलब एसोसिएट होना है आगे जो एजेंट्स हो गए या मैनेजर्स हो गए, कि भी वो लोग उनका बेस्ट इंटरेस्ट सामने रखते हैं कि अपना रखते हैं अपना. बिल्कुल. क्योंकि वो तो पुश करेंगे, हाँ यार कोई बात नहीं तू इधर ही खेलते को इधर पैसे मिल रहे तू बाहर क्या करना जाके. ठीक है, तो मतलब कहीं ना ट्रैप में फंसाते हैं कि मैं भी फंसा हूँ पर्सनली. मैंने भी ये स्टेप किया, मैं तभी एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ. अच्छा. कि ये सब होता है तो बहुत ही, अगर आप लोगों को यूरोप में खेलना है तो आप लोगों को केयरफुल होना पड़ेगा और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा. एक मैंने सुना था भैया, मैं पढ़ रहा था कि जो यूरोपियन जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी कोल्ड होता है. सो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी जो भी एटमॉस्फेयर जो भी बहुत फेवरेबल होता है स्पोर्टिंग कंडीशंस के लिए, तो वहाँ का कंडीशंस और इंडिया कंडीशन जो काफ़ी हॉट होता है, तो डू यू थिंक ये कोई फुटबॉल डेवलपमेंट में कहीं रोल प्ले करता है? मेरे को ये बताओ थाईलैंड का वेदर कैसा होता है? इंडिया जैसा होता है? तो वो लोग इतनी आगे क्यों जा रहे हैं अभी? तो बस एक्सक्यूज है. देख यार वेदर की प्रॉब्लम है. बिल्कुल ठीक है, पर जो काम जरूरी है इसका मतलब ये थोड़ी है वेदर खराब है जी हम काम नहीं करेंगे. जो काम है जरूरी वो तो करने हैं. मलेशिया को एग्जांपल ले लो, थाईलैंड को एग्जांपल ले लो, इंडोनेशिया को एग्जांपल ले लो. अभी थाईलैंड वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लास्ट स्टेज में गए थे एशिया जी, के जी. और हम लोगों ने थाईलैंड को हराया था मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले, और अभी वो जापान और ईरान के साथ ड्रॉ कर रहे हैं. मौसम तो उधर भी गर्म ही है. मतलब दिल मन होना चाहिए. मैं तेरे को कह रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज जब तक करना बंद करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है. अच्छा भैया, जैसे आप U17 वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है अगले साल, तो बेस्ट विशेष तो आप दोगे ऑब्वियसली, बट आपको लग रहा है कुछ मतलब बच्चे लेट्स कैसे हैं अपने? सर मेरे ओपिनियन में तो बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़के हैं और फाइट है उनके अंदर पूरी. फिजिकली और स्किलफुली इतने साउंड नहीं होंगे कंपैरिजन टू इफ यू से ब्राज़ीलियन प्लेयर्स और यूरोपियन प्लेयर्स और जर्मन प्लेयर्स, बट उनके अंदर जो एंथुजियाज्म और फाइट है वो उनके अंदर बाकी टीमों में नहीं होगी. तो यही चीज़ इनको दूर लेके जा सकती है ये वर्ल्ड कप में, और मैं बिलीव करता हूँ कि दीज गाइज विल पुट अप अ गुड शो नो मैटर द रिजल्ट. दिल पुट अ गुड शो फॉर शो. मतलब इफेक्ट पड़ने वाला है. तो ड्यूटिंग भैया कि ये जैसे इस बार काफ़ी गवर्नमेंट भी काफ़ी इंकरेज कर रही है U17 वर्ल्ड कप को, तो अगर U17 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करती है टीम हमारी तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा बच्चों पे? आई होप सो यार. आई मीन इससे बड़ी स्टेज और कोई सेट हो ही नहीं सकती इंडियन फुटबॉल के लिए. हमने पहले कभी वर्ल्ड कप नहीं होस्ट किया कोई. सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर किड्स to see it as opportunity to watch the game, to learn the game, to see that even youngsters if given opportunity can play football. And parents ke liye bhi bahut bada eye opener hoga ki bachcho ko agar aap freedom doge to they can excel in sports. Kyunki India mein bolo football khelne ja raha hai to matlab bolenge kya football khel raha hai. सर एटीट्यूड चेंज हो जाएगा अपने. हो जाएगा मतलब फ़र्क पड़ेगा इससे ना. तो भैया एक और क्वेश्चन मेरा ये था कि ISL और I League को मर्ज करने वाला, तो आपने आप जैसा बोल रहे हो कि हमारे पास एक लीग नहीं है, तो आपको लगता है कि इनके मर्जिंग के बाद एक लीग आ जाएगी हमारे पास? सर मेरे को कोई मतलब नहीं है नाम से, चाहे उसको I League कह लो, ISL कह लो, IBL कह लो, जो मर्जी कह लो जी. हमें प्रॉपर लीग चाहिए, एक एज अ प्लेयर प्रॉपर लीग चाहिए,
जहाँ मैं क्लब में जा सकूँ, ट्रेनिंग कर सकूँ डेली, वीकेंड पे मैच खेलूँ, ठीक है, वीक इन वीक आउट पूरे सीजन के लिए, कॉल इट वट एवर, यू मर्ज द लीग्स, यू डोंट मर्ज द लीग्स, बट वी नीड अ लीग, बट वी नीड अ प्रॉपर लीग. तो अभी अभी जैसे पोर्टोरिको के अगेंस्ट खेला आपने, कैप्टन किया, तो टीम का माहौल कैसा है, मतलब कैसे आपको लग रहा है कि बहुत एम्बिशियस हो रहे हैं सब लोग कि हमें, यस वी नीड टू पुश देम अप? अभी अगर आप देखोगे जब जब ये टीम एक साथ इकट्ठी हुई थी तो काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि ये यंगस्टर हैं, ये है, वो है, पर आप अगर टाइम दोगे, जब से हम उस टाइम भी कह रहे थे कि हमें टाइम दो, ये लड़के मतलब एक्सपीरियंस करेंगे, लर्न करेंगे, इंटरनेशनल पहले नहीं खेले, तो विद इन 1-2 years यू सी द डिफरेंस, यू नो, पोर्टो रिको गेम इंक्लूडेड, वी प्लेड 11 गेम्स एंड वी लॉस्ट मे बी 2 games आउट ऑफ 11, ठीक है, तो इसका मतलब प्रोग्रेस हो रही है, एंड द बॉयज दे बिलीव इन इन द प्रोसेस एंड दे बिलीव दैट इफ गिवन चांस एंड हार्ड वर्क दे कैन मेक अ डिफरेंस. अच्छा भैया, आप आई गेस आप भाईचंद भूटिया के अंदर भी रहेंगे और सुनील छेत्री के अंदर भी खेले होंगे, तो दोनों में डिफरेंस क्या, लीडरशिप की कहाँ डिफरेंस कहाँ आता है? भाईचंद भाई और सुनील भाई दोनों ही एज अ प्लेयर मैं कह सकता हूँ भी कमिटेड प्लेयर्स हैं, जब भी अपनी टीम के लिए उतरेंगे तो दे गिव दे 100% एंड टेन टू मेक अ डिफरेंस व्हेन दे गो ऑन द पिच. इंस्पायर करते हैं एंड एज अ लीडर I think on the pitch, they will push you and make you deliver 100% every single time. And off the pitch, वो as a example set होते हैं. भैया चलो इससे अब दूर होते हैं, तो you had some difficult times at East Bengal. So how? I didn't have any difficult times at East Bengal. You didn't have? But you know, I just saw a few clips of you, keep people start criticizing you or somewhere. वो तो सर सब जगह होता है. वो तो है. लेकिन सर इसको affect नहीं करता आपको चीजें? मेरे लिए तो लर्निंग एक्सपीरियंस है. बिल्कुल ठीक है. आई टेक इट एज अ लेसन, आई डोंट सी इट एज क्रिटिसिज्म और दिस और दैट. ठीक है, गलती सब करते हैं. डेफिनेटली अगर एक ही बंदे के ऊपर फिंगर पॉइंट करोगे तो फिर उसमें मेरी गलती भी. टीम स्पोर्ट है. इट इज, आई मीन आई डोंट ब्लेम एनीवन, यू नो, यू लव योर टीम, आई नो दैट, यू लव योर फुटबॉल, आई नो दैट, बट यू कांट यू नो ब्लेम वन गाय. और तो भैया डॉगी है, मफिन मफिन ऊपर आ जा भाई, मफिन मफिन ये रहा, मफिन मफिन है भैया की डॉगी. बहुत सीन ये है कि मेरे को थोड़ा सा जानना है कि हु इज द मोस्ट एंटरटेनिंग गाय इन इंडियन टीम. हाँ, मोस्टली जो नॉर्थ के लड़के हैं वही होते हैं. अच्छा, लैंग्वेज कौन सा, हिंदी में मजाक करते हैं? हिंदी पंजाबी सब चलती है. नहीं, पंजाबी बोलते भी लोग? पंजाबी हिंदी जैसी तो है, समझ ही आ जाती है. देते हो कि नहीं आप लोग? हाँ हाँ. अच्छा, फिर सीरियस गाइस, सबसे सीरियस गाइस कैलकटा के होते हैं कुछ सीरियस गाइस, मतलब या तो समझ लो भी नाम नहीं, एक एक्सपीरियंस जो ओल्ड पीपल जो है, नाम नहीं लोगे. सीरियस गाय सुब्रतपा जी हो गए, वो सीरियस रहते हैं बस. एंटरटेनिंग में कोई नाम? हम सारे पीछे जो पीछे बैठते हैं, संदेश हो गया, मैं हो गया, सिनाज हो गया, और जो कुछ यंग लड़के हो गए. प्ले बॉय कौन है टीम में? प्ले बॉय ओ इंजरी हो गई थी उसके, रह गया कौन वो, चल अब तुम ढूंढो और इंजरी कौन कौन हुआ. अच्छा अच्छा, प्ले बॉय होगा, सीरियस भी हो गया, तो भैया एक रह गया कि भाई चलते किसकी जाता? छेत्री भाई की चलती है. तो भैया थैंक यू सो मच. सो थैंक यू गाइस, अभी WOH TV की बात करेंगे, धन्यवाद. नो प्रॉब्लम यार. सो इस मुलाकात पावर्ड बाय टॉकिंग इंडियन में इतना ही, और अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और खास शख्सियत के साथ. बने रहिए WOH TV के साथ. धन्यवाद.